उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में शनिवार को सुबह आयोजित डीएसपी के दीक्षा परेड में अलीगढ़ के रहने वाले दरवेश सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। डीजी प्रशिक्षण सुजानवीर सिंह ने तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया। दीक्षा परेड के साथ ही यूपी पुलिस को जहां 30 डीएसपी मिले, वहीं 29 एपीओ का दीक्षा समारोह भी सम्पन्न हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में वर्ष 2016 बैच के 30 डीएसपी की ट्रेनिंग शनिवार को पूरी हो गई। इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। डीजी प्रशिक्षण सुजानवीर सिंह ने प्रशिक्षु डीएसपी को शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव कृष्ण, पीटीसी के निदेशक ब्रजराज मीणा, आईजी रमित शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी रहे। इंदौर प्रशिक्षण में कुशीनगर के कमलेश को प्रथम स्थान मिला। लखनऊ शारदा नगर की रहने वाली रूपाली राय को आउटडोर प्रशिक्षण में पहला स्थान मिला। प्रशिक्षु एपीओ विपर्णा गौर को प्रथम, सतीश कुमार पांडे द्वितीय व सोलंकी यादव को तीसरा स्थान मिला। पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद श्री राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद श्री रमित शर्मा पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश राज्य की इस प्रतिष्ठित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। एक अधिकारी के जीवन काल में पासिंग आउट परेड एक स्मरणीय अवसर होता है। यह गौरव और आत्मसंतुष्टि का क्षण होता है। मैं सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं को एक कठिन प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत एक चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि प्रशिक्षु अधिकारियों में कुछ महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं। मैं आपका भी इस प्रतिष्ठित सेवा में स्वागत करता हूँ तथा अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अकादमी में कई बार भ्रमण कर चुका हूँ। वर्ष 1987 में मैंने भी इस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आज इस अवसर पर मुझे वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा युवा अधिकारियों को दी गई एक सलाह याद आ रही है। उन्होंने कहा था, मैं आपको प्रशासन में अनुकरणीय निष्पक्षता और ईमानदारी अपनाने का परामर्श देता हूँ। एक सरकारी सेवक को न तो राजनीति में पढ़ना है और न ही उसे सांप्रदायिक विवादों में अंतर्ग्रस्त होना है। इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का विचलन सरकारी सेवा की मूल भावना को समाप्त करता है और आपकी गरिमा को कम करता है। इसी प्रकार कोई भी सरकारी सेवा सार्थक नहीं हो सकती यदि उसमें सत्यनिष्ठा के सर्वोच्च मापदंड सम्मिलित ना हो। साथियों, यह शब्द आज से 73 वर्ष पूर्व प्रासंगिक थे, यह शब्द आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। इस अवसर पर मैं राज्य के समस्त पुलिस अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों की उनके द्वारा प्रदर्शित दृढ़ निश्चय, समर्पण, स्वेच्छा और सच्चाई की भावना के लिए प्रशंसा करता हूँ। साथियों, जहाँ तक सरकारी सेवा का प्रश्न है, इसमें शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य और समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय पुलिस सेवा में मैं लगभग 34 वर्ष से कार्यरत हूँ। लगभग 2 वर्ष के लिए मैं अभियोजन निदेशालय में भी महानिदेशक के पद पर कार्यरत था। पुलिस और अभियोजन सेवा के बारे में मेरा विमत है कि ये मात्र कानून को लागू करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि यह सरकारी सेवाएं आज भी समाज के बहुमुखी विकास और सामाजिक सेवा की प्रदाता हैं। सरकारी सेवा में हमारी भूमिका केवल रिएक्टिव न होकर प्रोएक्टिव होनी चाहिए। हमारी यह भूमिका प्रदेश में अन्य विभागों के तालमेल के साथ प्रदेश के विकास और संपन्नता के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करेगी। साथियों, हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए मैं आपसे सर्वोच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता की आशा करता हूँ। पुलिस बल का 70% से भी अधिक हिस्सा पुलिस आरक्षियों का है। वास्तविकता यही है कि पुलिस आरक्षी संवर्ग ही सरकार का दिखलाई देने वाला चेहरा है। इसलिए आरक्षियों के प्रशिक्षण
उनके प्रशिक्षण में निरंतर सुधार और विकास की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस आरक्षियों के अंदर सर्वोच्च स्तर का अनुशासन, सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना कायम करना आपका मुख्य दायित्व है। साथियों, जमीनी हकीकत यही है कि पीड़ित व्यक्ति का सामना सबसे पहले किसी पुलिस आरक्षी से ही होता है। पुलिस आरक्षी पुलिस सेवा के कटिंग एज लेवल पर है। समय के साथ पुलिस कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समाज में सांप्रदायिक तनाव समाज के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रदेश ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली अनेकों सरकारी योजनाओं की सफलता एक सुदृढ़ कानून एवं व्यवस्था पर निर्भर करती है। सरकारी योजनाओं के सफल संचालन हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सामने उपस्थित ये अधिकारी राज्य के समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती का सामना उच्च मनोबल, आत्मविश्वास और संवेदनशील नेतृत्व के साथ करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक अधिकारी सरकारी सेवा में आम जनता के समक्ष अनुकरणीय नेतृत्व प्रस्तुत करेगा और आने वाले वर्षों में राज्य की सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ करेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। परेड के अवसर पर मैं सभी सफल प्रशिक्षुओं को मैंने बधाई दी है और आशा करता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए सहायक साबित होंगे। इन प्रशिक्षुओं से यही आशा है कि पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ और कानून के अनुसार अपना काम करेंगे।